मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। गोंदिया के भीमघाट पर हजारों भीम सैनिकों ने महामानव को किया अभिवादन। महापुरुष की स्मृति में अब भीमघाट का नाम चलन में आ रहा, जो गोंदिया की पूर्व दिशा में पंगोली नदी से कुछ दूरी पर स्थित। भीमघाट में न केवल गोंदिया निवासियों के लिए बल्कि पूरे जिले के लिए पूजा स्थल बन गया। महापरिनिर्वाण दिवस पर गोंदिया जिले से हजारों भीम सैनिक सफेद कपड़े पहनकर डॉक्टर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने आते हैं। आज 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हजारों भीम सैनिकों ने इस स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमें छोड़कर चले गए, यह याद कर पूरा देश दिल से रोने लगा। वह दिन था 6 दिसंबर 1956 का। गोंदिया से अर्जुन गजबीये, कुंडालिक बैज, संपत फुले, वामन राव गजबीये, फत्तू नागदेवे, तनबा बंसोड़ जैसे कार्यकर्ता इस भावना से मुंबई गए थे कि वे भी बाबा साहब के पैर छुएंगे। बाबा की अस्थियां स्मृति स्तंभ तैयार किया। इस स्थान पर गोंदिया जिले के हजारों भीम सैनिक 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अभिवादन करते हैं। देखिए पूरी खबर महाराष्ट्र गोंदिया से। सतीश पारधी की रिपोर्ट। आज विश्वरत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवसाच्या निमित्ताने त्यांच्या चरणीत विनम्र अभिवादन, शश्वत नमन आणि पूर्ण देशात आणि जगात त्यांनी जे कार्य केलेले आहेत आणि ज्या पद्धतीनं भारताचं नाव गौरवान्वित केलेलं आहे त्यांना वारंवार शश्वत नमन आणि विनम्र आदरांजली। परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मी त्यांना आदरांजली अर्पित करतो, मानवंदना अर्पित करतो, कोटी-कोटी नमन करतो। आणि खऱ्या अर्थानं आजचा दिवस हा एक संकल्प करण्याचा दिवस आहे। बाबासाहेबांचे विचार, त्यांनी केलेले कार्य आणि संविधानाच्या माध्यमातून या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला त्याला जीवन जगण्याचा, सन्माननीय जीवन जगण्याचा दिलेला अधिकार, हे सर्व गोष्टी आजही घराघरापर्यंत प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे। आणि त्यांच्या या जीवनक्रमातून, त्यांच्या कार्यातून या सर्व गोष्टी आत्मसात करून आज खऱ्या अर्थानं प्रत्येक माणसापर्यंत विचार पोहोचले पाहिजेत, हीच खरी श्रद्धांजली बाबासाहेबांना असेल असे मला वाटतं।